सावेर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने आज सावेर तहसील कार्यालय पर नामांकन जमा करने पहुंचे, जहां उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। मां चामुंडा माता मंदिर से एक बड़े सैलाब के साथ भाजपा के कार्यकर्ता बाजार चौक पर पहुंचे, जहां पर नेताओं द्वारा संबोधन किया। इस मौके पर तुलसीराम सिलावट ने जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर बताया, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सिलावट खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ सावेर तहसील कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन जमा किया। भाजपा जो बोलती है वो करती है, विकास और प्रगति का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आपको पता है जिस सड़क की आप बात करते थे वर्षों से, क्या हालत थी? यहाँ जाम लगता था, कोई कर पाया था? भाजपा में दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो सावेर का अंतिम सबसे बड़े, कभी देखा आपने गार्डन जाके? देखा कि नहीं आपने? एक बड़ी उपलब्धि सावेर के लिए, कॉलेज एक नहीं दो कॉलेज सावेर, मंडी, अस्पताल सावेर की बात कर रहा हूँ। ये विकास और प्रगति 182 गाँव में नर्मदा पहुँच रही है, काम होगा। 53 गाँव में पहुँच चुकी है। कितने गाँव में? 165 करोड़ के जल जीवन मिशन, ये है भारतीय जनता। आप जानते कि एक अस्पताल नहीं, 50 बिस्तर के, पहला है सावेर, दूसरा है मांगलिया, तीसरा करारिया, चौथा कंपेयर। ये है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा, पानी और बिजली और सड़क, आप जानते सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर, सैकड़ों की संख्या की बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर, किधर भी चले जाओ सड़कों का जाम। क्योंकि आज स्थिति समर्था सावेर, विकसित सावेर, और सबसे बड़ी मेट्रो भी सावेर मिला, वो वहाँ बोल नहीं पाया, मेट्रो भी सावेर मारी। सावेर के विकास और प्रगति में वो सारी सुविधाएं जो मध्य प्रदेश के किसी विधानसभा में मिलती है, वो सावेर को हम उपलब्ध कराने का भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता, ये सावेर के बेटे का, ये भाई का, ये मेरी कोशिश है।